नौसेना दिवस में सामिल हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र सिंधु दुर्ग में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर Ladies and gentlemen, as we can see from the left side are the Chetak helicopter. The Angels, the Chetak helicopter, is a single-engine light utility helicopter manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited at Bengaluru. Chetaks are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling, and to transport passenger or equipment. The aircraft are based at almost all air bases of the Indian Navy. They can cruise at speeds of 185 kilometers per hour and can sustain up to 3 hours in air without refueling. Ladies and gentlemen, leading the flypast for the day are the Angels Chetak helicopter. It has been flown by Commander Srijit Gopal. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आ रहे हैं चेतक हेलीकॉप्टर, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि देखने में छोटे लगे काम करें गंभीर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में बने ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं। उनकी उपयोगिता के कारण चेतक भारतीय नौसेना के हर बेस में है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये लगभग 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और लगभग 3 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। इनकी कमान कर रहे हैं कमांडर श्रीजीत गोपाल। मंच के सामने से फॉर्मेशन ऑफ चेतक्स आपके सामने से गुजरता हुआ, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, क्रम में अगले हेलीकॉप्टर स्वदेश में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ELH हैं, जो बेंगलोर में बने हैं। ELH 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चेतक की तरह ये भी बहुआयामी और बहुउपयोगी हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं। ELH की कमान कर रहे हैं कमांडर धनुष मेनन। बाईं तरफ नजर घुमा के देखिए, अगला हेलीकॉप्टर जो आ रहा है वह है MH-60 रोमियो। यह हेलीकॉप्टर अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। सबसे अत्याधुनिक यह हेलीकॉप्टर हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए हैं। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। The MH-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. Devi aur Sajjano, bayi taraf se manch ke samne aa raha hai agla helicopter Kamov 31, jise Eye of the Fleet bhi kaha jata hai. Long range early warning radar की विशेष क्षमता वाला यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाता है। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर कौशिक धर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आर द सीकिंग हेलीकॉप्टर्स। दीज आर द एडवांस्ड एग्नी एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स। दीज हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग फ्रिगेट्स ड्यू टू देयर एडवांस्ड सेंसर्स एंड फायर पावर। The helicopter formation is being led by Commander Deepak Diwan. Ladies and gentlemen, Flying Frigate Sea King 42 Bravo. हेलिकॉप्टर चे शक्ति प्रदर्शन बघूनच आश्चर्यचकित झाला असाल, तर अजून काही क्षण धीर धरा, कारण आता आपल्या सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणारे कर्तव्य दाखवायला येत आहेत भारतीय नौसेनेचे फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्ट आणि फाइटर जेट्स। फॉलोइंग द सी किंग्स आर द डॉनियर एअरक्राफ्ट। दीज आर द मीडियम रेंज मॅरिटाईम सर्वेलन्स एअरक्राफ्ट। डॉनियर्स आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ द इंडियन नेव्ही अँड आर एक्सटेन्सिव्हली यूज फॉर टॅक्टिकल ऑपरेशन्स लाईक मॅरिटाईम रेकॉनिसन्स,
and patrolling missions all around the mainland as well as our island territories. The aircraft is indigenously built by Hindustan Aeronautics Limited and has been active in service for the past 3 decades. Leading the formation today is Captain Siddharth Rao. Ladies and gentlemen, the Dorniers. The next aircraft is the PATI Poseidon. This multi-role aircraft has proven its mettle by being the sixth sense of the fleet and has exceeded more than 40,000 hours of flying since its induction. It is a multi-dimensional lethal instrument of war equipped with torpedoes to attack enemy submarines,